स्वागत है दोस्तों। ये है एक स्टैचू जो कि क्ले से बना है, उसे हॉर्स बोलते हैं हमारे, घोड़ा जो हम हमारे ट्रेडिशनल जो गॉड्स गॉडिस है यानी देवता है उसको हम अर्पण करते हैं। तो उसके ऊपर मैं प्लांट को अटैच करना चाहता हूँ। ये क्ले का बना होता है तो मेरे ख्याल से कोई फाइकस उसके साथ अटैच हो जाए तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और अभी मैंने रिपोर्टिंग करते वक्त एक प्लांट के साथ एक रूट्स थी फाइकस की, वो मैंने प्रोपोगेट की हुई है यानी उससे अलग करके इसको मैंने रखा था किसी रोप के साथ अटैच करने के लिए। तो मैं आज उसको अटैच करने वाला हूँ इस हॉर्स के साथ। तो इसके लिए मैंने एक पॉट लिया है और पॉट में उसको मैं पहले अटैच कर लूँगा। पहले अटैच करते वायर से, मगर शायद प्लांट को अटैच करने में दिक्कत आती इसलिए मैंने पहले इसे ही रखा है और बाद में मैं उसको अटैच कर लूँगा। तो मेरे पास है ये प्लांट जो कि फाइकस का है। तो उसके साथ मैं अटैच कर लेता हूँ, मगर थोड़ा वाटर स्प्रे कर लेते हैं। अगर किसी चीज़ के साथ हम अटैच करने वाले होते हैं इस तरह के प्लांट को तो हमें उसको पहले वेट करना होता है, चाहे वो स्टोन है या कोई स्ट्रक्चर। तो उसको मैं अटैच कर रहा हूँ जैसे कि ये मूवमेंट है उसी को इस्तेमाल करते हुए। यहाँ से बैक में से जाके हम फिर से उसको नीचे से लेंगे। और फिर हम उसको ऊपर से यहाँ से कहीं अटैच कर लेते हैं और ये रूट अपनी जगह पे आ गई है। तो इस तरह से कुछ मैं करना चाहता था। कोई बड़ा प्लांट होता तो अच्छी बात थी, मगर ये भी ठीक है। तो ये इस तरह से मैं उसको अटैच कर लेता हूँ। ये अपने आप मोटा होता चला जाएगा तो ये अपने आप ही उसके साथ अटैच हो जाएगा। तो अभी के लिए यहाँ मैं अटका रहा हूँ उसको। तो चलिए कुछ वायर ले लेते हैं जिससे हम उसको अटका सकें। और उसके लिए चाहिए होता है हमें कुशन, यानी कि उसमें वायर बाइट्स नहीं आने चाहिए, इसलिए मैं ये जो ग्रीन नेट इस्तेमाल की थी वो ही रख रहा हूँ। जहाँ भी वायर प्लांट्स के साथ लगेगा उस जगह पे मैं इस तरह से इस ग्रीन नेट का टुकड़ा फंसाऊँगा जिससे प्लांट को कोई नुकसान ना हो। रबर की भी इस्तेमाल किया जाता है, कोई फाइबर का टुकड़ा या फाइबर यानी कोई कपड़े का टुकड़ा भी हम रख सकते हैं जिससे डायरेक्टली वायर बाइट नहीं होगा। तो चलिए थोड़ा मोटा वायर ले लेते हैं। चलिए एक वायर लिया है मैंने, थोड़ा पतला सा लेते हैं। रूट को मैंने वेट कर लिया है यानी कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए यहाँ कहीं अटकाते हैं इस वायर को और हम उसको यहाँ टाई कर लेते हैं यहाँ से। और यहाँ कोई कैनोपी बनेगी या स्टाइल तो चेंज होती रहती है, मगर एक बार उसको अच्छे से अटक जाए ये प्लांट
यहाँ से भी हम अटका लेते हैं। अगर इस तरह का कुशन का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ ज़्यादा प्रेशर होता है वहाँ जल्दी से वायर बाइट होता है। एक बार प्लांट अटक जाएगा, बाद में हम निकाल लेंगे ये सब। ये होर्स होता है जो हम ट्रेडिशनली हमारे जो देवता है उसको हम अर्पण करते हैं। उसको चढ़ाया जाता है देवताओं को। नीचे से ले लेता हूँ। जैसे भी समझ आए कीजिए दोस्तों, कोई रूल्स नहीं है। ये नीचे जाके भी ऊपर ला सकते हैं हम। कैसे भी हो हमें उसको अटकाना है। बाद में ये जब फैट होगा या मोटा होगा तो ये अच्छे से इस हॉर्स के साथ अटक जाएगा, तो बड़ा अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से। तो मैं इस तरह का काम बहुत पहले से करना चाहता था, मगर मेरे पास कोई ऐसा आइडिया नहीं था, तो अब आइडिया आ गया है। आइडिया आना ज़रूरी है, तो इस तरह का कुछ हम नया काम कर सकते हैं। और इस प्लांट को हम फ्रंट में रखना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो पहले यहाँ तक आए हैं, तो यहाँ से आगे हम इस वायर को पहले लटका लेते हैं। दूसरा वायर लेना पड़ेगा यहाँ नीचे के लिए। अभी ये कुछ अच्छा तो नहीं दिखेगा। ये प्लांट को पहले हमें अच्छे से ग्रोथ में लाना पड़ेगा। प्लांट यहाँ से जाके ऊपर से नीचे आया है, और कोई दूसरा अच्छा रूट मिला तो उसको भी मैं इसके साथ अटैच करूँगा, जिससे प्लांट भी दूसरा प्लांट भी लगा सकते हैं हम। तो उसको फिर से मैं फ्रंट में लाना चाहता हूँ। थोड़ा अच्छा इफेक्ट आएगा यहाँ से, और फिर हम उसके नीचे ले लेते हैं। अब अटैच हो चुका है। जहाँ जहाँ भी वायर लगा है उसमें हमने ये कुशन इस्तेमाल किया है ग्रीनेट का, तो जल्दी से उसको सॉइल मिक्स दे देते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने सॉइल मिक्स दे दिया है। हम इस तरह से अटैच करने के लिए रॉक या कोई फिगर इस्तेमाल करते हैं, बुद्धा या कोई स्टैचू इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे कुछ ट्रेडिशन से जुड़ी होती है। तो इसलिए मैंने भी ये हमारे जो ट्रेडिशन से जुड़ी हुई चीज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो हमारे यहाँ परंपरा चली आती है। इस तरह का स्टैचू हम देवताओं को चढ़ाते हैं, उसी का इस्तेमाल करते हुए मैंने ये एक क्रिएशन करने की कोशिश की है। देखिए, ये हमारे ट्रेडिशन के या संस्कृति के साथ जुड़ा है, तो उसी के साथ मैंने कुछ करने की कोशिश की है। तो चलिए दोस्तों, बने रहे हमारे साथ, कुछ इसी तरह का कुछ अजीब सा करते रहेंगे हम, और देखते रहे हमारा चैनल, और हमारे साथ बने रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।